शॉट मारा, चलो बॉल लेके आओ। ओ एक मिनट प्रियल, एक मिनट। ओ निम्मा, ओ जरा सा बॉल शॉट ले आ। जी भाभी, हमेशा निम्मा के साथ ऐसे क्यों बात करते? पहली बात तो इस घर में नौकर कोई है नहीं, सारे हाउस हेल्प से जो मदद करते हैं हमारी। ये तो वो भी नहीं है, ये तो नैनी है कृष्ण की। ओ ठीक है विराट। निम्मा, मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। चलो क्यों लो, यहाँ देखा। ये वीर इस नैनी की हेल्प करने के लिए इतना उतावला क्यों रहते? प्रियल, मुझे लगता है ना अपना थोड़ा टाइम शाइम खराब चल रहा है। सॉरी सर, वो चिल करो यार, मुझे पता है तुम मेरे ऊपर लाइन तो नहीं मारी हो, है ना? पता है, चलो बॉल ढूंढते। मिल गया। क्या मिल गया? बॉल तो मुझे मिली, तुम्हें क्या मिला? ओए विराट, वो इतना चौंक क्यों रहा है भाई इन दांतों को देख के? वो अपने कृष का होगा, कोई खिलौना शिलौना है? नहीं सर, ये कृष का खिलौना नहीं हो सकता है। और अगर होगा भी तो आप ही ने लेके दिया होगा ना? नहीं नहीं, तो फिर ये कृष का खिलौना नहीं है। और उसे उसे ऐसी चीजों में इंटरेस्ट भी नहीं। और देखिए ना, ये खिलौना दिखता तक नहीं है। ओए निम्मा, वो तू कहना क्या चाह रही है कि ये दांत शायद मैंने और प्रियल ने लाके यहाँ पे रख दिए? नहीं मैम। ओए तू चुप कर। ओ विराट, वो देख ये नैनी क्या बोलने की कोशिश कर रही है। वो इस घर में ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। ओए निम्मा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि तू, तेरी प्रॉब्लम क्या है मुझसे? और सवेरे शाम तो मेरे और प्रियल के पीछे पड़ी रहती है, प्रॉब्लम क्या है तुझको? ओ जी, वो अब मुझे समझ आया कि कृष अपना भोला सा शरीफ से सीधा सा बच्चा है। वो इसने क्या किया होगा मुझे फंसाने के लिए ना, यही खुद ही लाके दांत रख दिए होंगे। खुद ही दांत रख दिए और खुद ही ढूंढने आ गई अपने आप को वो शरीफ सा साबित करने के लिए। नहीं मैम, आप ये क्या कह रही है? पर क्यों करूंगी ऐसा, क्या मिलेगा? और वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मिलेगा तुझे और तेरी प्रॉब्लम क्या है। कोई ऐसा तो नहीं है कि दो लोग घर में ज्यादा क्या आ गए, तेरा काम बढ़ गया है इसीलिए ये सब कर रही है तू? बता निम्मा, क्यों प्रॉब्लम क्या है तुझे, क्यों कर रही है? अच्छा जी, अब असली गल समझ आई मैंने। उस दिन मैंने तुझे सपोर्ट नहीं किया ना तेरे झूठ के लिए कि तू मुझे बता के गई थी, तो उसका बदला ले रही है ना? मयंक, ये क्या कर रहे हो तुम? सिया तुमसे अचानक से शादी क्यों करना चाहती है? तुम तो वापस अपने घर जा रहे थे ना भोपाल। क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या? और कंचन, ये किस तरह का सवाल है हाँ कि वो शादी क्यों कर रही है? भाई तुम्हारा जो ये प्यारा सा मयंक है ना, इसके जादू से कोई भी लड़की नहीं बच पाती है। अब देखो आज तक तुमने मुझे पकड़ा हुआ है। ये मजाक का टाइम नहीं है मयंक, तुम चुपचाप अपने घर वापस जाओ और कैंसिल करो ये सब। ठीक है,
चला जाऊंगा मैं, लेकिन उसके लिए मेरी एक छोटी सी शर्त है, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, मंजूर? नहीं मयंक, अब मैं नहीं जा सकती, बहुत लेट हो चुका है, शिव के साथ मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और मेरा घर बस चुका है। तो ठीक है फिर, मुझे भी अपना घर बसाकर आगे बढ़ने का पूरा हक है। जिस तरह से तुम शिव के साथ खुश रहती हो ना, ठीक उसी तरह मुझे भी सिया के साथ खुश रहने का हक है। जिस तरह से तुम्हें शिव के साथ देखकर जलता हूं ना, अब उसी तरह से तुम भी मुझे सिया के साथ देखकर जलती रहना। हिसाब बराबर? मैम मुझे आप लोगों से कोई तकलीफ नहीं है, और वैसे भी तो आप लोग कुछ दिनों में जा ही रहे हैं ना। मैं तो क्या ना क्या चाहते हैं कि मेरी प्रियल ने किया ये सब? प्रियल ने काटा अपने आप को है? अरे बस करो यार, एक तो रोज इस घर में कुछ ना कुछ हो रहा है, कौन कर रहा है वो पता नहीं चल रहा, तो ये सीसीटीवी कैमरास लगे हुए चल रही है, जब से वो वैलेंटाइन डे में लाइट गई है पता तो चलिए कोई भूत है कौन हमारे घर में। वो तो सही कह रहा है विराट, अब तो मुझे भी जानना है कि ये सब हो कैसे रहा है। इस घर की बड़ी होने के नाते ना मैं तो जान के ही रहूंगी, और ये कैमरा शैमरा तो लगते ही रहेंगे, लेकिन हमको ना आज ही पता करना होगा विराट, कोई इसका फैसला तो आज ही होगा। तूने किया ये तूने किया है, तूने इस मासूम से कृष को फंसाने की कोशिश की प्रियल। ओए प्रियल, ओ किस तरीके से किया तूने ये सब? दी, आप ये सब क्या बोल रही हो? मैंने कुछ नहीं किया, आप अपनी सगी बहन पर ट्रस्ट नहीं करती। ओ प्रियल, ओ ये मेरी ट्रस्टिंग की बात ही नहीं है, वो बात यहाँ पे अपने विराट की ट्रस्टिंग की है। मैं उसकी पापी हूँ और तू मंगेतर, पर लेकिन आज अपनी बदकिस्मती है कि आज इस नैनी की वजह से ना हमें अपने आप को बेगुनाह साबित करना ही होगा। ऐसी बात नहीं है भाभी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं विराट, आज है ना तूने अपनी भाभी को ना एकदम पराया कर दिया। बस अब इस बात को साबित करने का ना बस एक ही तरीका है, चल प्रिया दिखा अपनी बाग का निशान। What? इसके निशान से ना पता चल जाएगा किसने किया है। चल प्रियल अपना टाप नीचे कर और सबको दिखा निशान। चल प्रियल और नीचे कर अपना टॉप और दिखा सबको अपना निशान, दिखा दे सबको, साबित कर दे तू सच्ची है कि झूठी है, दिखा सबको, दिखा। बस कीजिए भाभी प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया थी, मैंने कुछ नहीं। देख प्रियल मैंने दोबारा नहीं बोलना है, तू दिखा दे सबको, दिखा। दी मैंने कुछ नहीं किया। चुप हो जा प्रियल, चुप हो जा, जितना नाराज होना तेरे को तो हो ले। विराट मेरे प्रा जैसा है, अगर उसको तुझ पर डाउट है ना तो इसका मतलब मुझ पर भी डाउट्स है, समझी?
शादी होने वाली है तुम दोनों की, और डाउट्स की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए भाई। अब दिखा दिखा, ठीक है जी, अगर आप कह रही है तो। Stop it, please. हमने कुछ नहीं किया, तुम हम पर शक कर रहे हो ना, बस उसी बात का प्रूफ दे रहे। अरे मैंने कहा तुम पे शक किया, मैंने किसी पे भी कहा शक किया है। भाभी कोई आप पे शक नहीं कर रहा, मुझे पता है जितना मुझे कृष्ण का ख्याल है उतना आपको भी है, प्लीज। पर हम पर शक तो कर रहे हो ना, वो भी इस नैनी के बोलने पे। मैम मैंने आपके या किसी के भी खिलाफ कुछ नहीं बोला। अरे चुप कर जाओ यार सब लोग प्लीज, एक दांत का मिल गया सोफे के नीचे, बवाल हो गया इस घर में। ये घर हमारा तो नहीं था पहले, इससे पहले भी यहाँ पे लोग रहते थे ना। सोफा भी घर के साथ ही आया कि नहीं आया? आया ना, हमने तो नहीं लाया ना, तो ठीक है उसके नीचे निकल गया कोई दांत वांत। यार पागल हो गए यहाँ के लोग, जो खेलते हो गए दांतों हाथों से खोपड़ी, उसे तुम्हें क्या पता, हद हो गई यार। सवाल ये नहीं है कि दांत कहां से निकला है, सवाल ये है कि कृष ऐसा क्यों कर रहा है, इसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। प्लीज इस टॉपिक पर मुझे और कोई बात नहीं चाहिए कभी भी, प्लीज। कृष चलो। हाँ चले गए वो लोग, जान निकाल दी थी भाई मेरी। यार आई होप कि हमारा जो घर है नया हमारे शिफ्ट होने के लायक हो, और कृष्ण का कमरा एकदम वैसा ही हो जैसा वो चाहता है, सेम। सारे घर वालों को भी तो आना है ना यार, जितना जल्दी निकले बेटर है, छोटा घर है ना यार। हाँ चलो ओके भाई। सर आपके पास 2 मिनट है, कुछ कहना है। छुट्टी मत मांगना यार, शिफ्ट करना है, बहुत काम है। नहीं नहीं सर, सर मैंने काफी पता लगाया है और वीडियोस भी देखे उन बच्चों के बारे में जिन्हें बोलने की प्रॉब्लम है, और थेरेपी वाले मैम ने भी बताया था कि कृष को और चीजें करने की जरूरत है। उसका बेस्ट तरीका ये है कि वो अपने उम्र के बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम बिताए, कई सारे बच्चों को ऐसे करने से बहुत फायदा हुआ है, वो बेचारा पूरा दिन हमारे साथ घर पे ही रहता है। अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलेगा तो शायद। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम कृष के बारे में इतना सोचती हो, मैंने रिसर्च वगैरह कर ली तुम, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी उसका वक्त है। नया घर है, नया माहौल है, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। कृष की जैसी कंडीशन है मुझे नहीं लगता है उसे आजकल के बच्चों के साथ ऐसा बोलना मिलना चाहिए। हर किस्म के बच्चे होते तुम्हें पता ही, लड़ते हैं झगड़ते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, नॉट गुड आइडिया। जी बिल्कुल सर, हर तरह के बच्चे होते, पर क्या पता वो दोस्त बना ले। नहीं प्लीज, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता, बट थैंक यू। कृष पुत्र, ओ पुत्र, तूने तो अपनी ताई जी के साथ बैठ के ठीक से बातें शाते भी नहीं की है, और हमारे साथ भी थोड़ा हैंग्स आउट करो। ओए सुन ना कृष, अरे गल तो सुन मेरी कृष पुत्र, एक मिनट बात तो सुन कृष, ओए
लो जी, इतने प्यार से बुला रही थी मैं। ओए, बड़ा तरस आता है इस बच्चे पर। मैं किसी से बात ही नहीं करता। तुझे पता है निम्मा, कृष का बचपन है ना, बहुत प्रॉब्लम शॉब्लम से निकला है। उसने अपनी आवाज के साथ साथ बहुत कुछ खोया, और इस सब के बीच में ना हमने अपने कृष को ही खो दिया। वो एक ही बंदे के साथ तो वो ओपन जब होता है, और वो है विराट। और मुझे पता है निम्मा कि तू अभी अभी आई है, पर तूने कृष को देख, हमेशा बड़ों के साथ ना ऐसे घर में जेल की तरह बंद रहता है, और ऐसा बचपन से हो रहा है उसके साथ। तू सोच जरा, एक 9 साल का मासूम सा बच्चा, उसके कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, वो ना यहाँ पे है और ना दिल्ली में। ओ देख निम्मा देख, वो कैसे सारे बच्चे, हम उम्र के बच्चे कैसे फंस कर रहे हैं, एक साथ खेल रहे हैं। और एक हमारा कृष्ण, वो जो घर में पड़ा रहता है अकेले, अरे उसका भी तो दिल करता होगा ना कि अपने उम्र के बच्चों के साथ फंस करे, थोड़ा खेले, मस्ती करे। तुझे लग रहा होगा कि मैं ये सब क्यों बोल रही, पर निम्मा तू भूल मत, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे सीने में भी ना एक दिल है। तो ठीक है, मैं कभी ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर देती हूँ, और जो मुंह में आया मैं बोल देती हूँ, पर निम्मा मेरे इरादे बहुत चंगे हैं। वो निम्मा, तुझे नहीं लगता कि अपने कृष पुत्र को उसको भी नीचे पार्क शार्क में ले जाना चाहिए, ताकि वो खेल सके, इंजॉय कर सके। मैम, वो मैं नहीं कर सकती। विराट सर जब आएंगे, वो खुद ही कृष को बाहर किया ड्राइव पे लेके जाएंगे। मैं अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकती। ओए निम्मा, वो तेरी लिमिट तो मैं क्रॉस कराऊंगी, तू रुक। हेलो बच्चों, आप लोग यहाँ? ओए निम्मा, अरे आ गए क्यूटी क्यूटी पाई से बच्चे। निम्मा, और मैंने इन लिटिल एंजल्स को बुलाया है। कृषि बेबी, देखो कौन आया है। एक मिनट बच्चों। मैम, आपको पता है ना, विराट सर ने कृष को साफ साफ बच्चों के आसपास रहने से मना किया था। ओ निम्मा, ओ छोड़ ना अपने सर को, ओ मैं कृष की ताई जी हूँ, ओ मेरा भी तो कोई हक शक बनता है कि नहीं, उसकी माँ जैसी हूँ ना मैं निम्मा। वो तो है मैम, पर मैं एक बार सर को फोन करके बता देती हूँ, वो इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। नीमा, वो वीर अभी एक जरूरी मीटिंग में बिजी है, उसे डिस्टर्ब मत करो। ओ निम्मा, प्रॉब्लम क्या है? उसकी भाभी हूँ मैं, और उसने मेरी बातचीत नहीं टालनी है। वो देखना अपना कृष कितना खुश हो जाना है, और तू है, मैं हूँ, प्रियल है, अरे हम सब ने मिल के संभालना है। और सोच, अगर सब कुछ ठीक ठाक हो गया ना, तो विराट के सामने तो प्रूफ्स भी हो जाना है ना कि अपने कृष को अपने दोस्तों की कितनी जरूरत है। कृष पुत्र देख, इतने क्यों भाव खा रही हो? और वैसे भी दी को तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, बट क्या है ना कि तुम कृष की केयर करती हो, तो सिर्फ तुम्हें रिस्पेक्ट दे रही है, तो तुम्हें भी तो उनकी बात को रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना, है ना? ओए निम्मा, वो देख, अपना कृष कितना खुश लग रहा है, देख।